नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं विजय पथ। आज हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में खेला गया खूनी तांडव, जिस पर चल रही है सियासत। सियासत जरूरी है या नहीं है, ये तो हम उन धर्म के ठेकेदारों से पूछ सकते हैं जो हमें हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई लड़ाकर उलझाना चाहते हैं। शायद उन्होंने ही सरकार को सलाह दी होगी कि प्रियंका गांधी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इनके जो भी प्रतिनिधि वहां उन लोगों से हालचाल जानने जा रहे हैं उनको रास्ते में ही रोक दिया जाए। और सबसे मजेदार खबर, बुझती कांग्रेस को प्रियंका गांधी के द्वारा इस योगी सरकार ने, जो धर्म की सबसे बड़ी ठेकेदार है, जो कानून सुरक्षा व्यवस्था पर खुलकर बोलती है, आदेश जारी करती है कि उत्तर प्रदेश गुंडों का, आतंकियों का प्रदेश नहीं है, यहाँ साफ सुथरा राम राज्य है, यहाँ योगी राज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योगी राज की। ऐसा राज जहाँ पर हत्या, बलात्कार, दिन दहाड़े पुलिस वालों की जान लेना या गरीबों की झोपड़ी में आग लगा देना आम बात है। सब कुछ उतना ही आम जितना सरकार विकास के दावे की बात करती है। क्या जायज था कि प्रियंका गांधी को बिना बिजली पानी वाले एक ऐसे कैदखाने में रख देना जो यह साफ जाहिर करता है कि सरकार की मंशा उनको बाहर खदेड़ने की थी। लेकिन इसी के बहाने सरकार ने यह बता दिया कि उत्तर प्रदेश में बिजली का बड़ा संकट चल रहा है। दूसरा, व्यवस्था यहाँ की जर्जर है। तीसरा, पत्रकार हो, नेता हो या कोई चुनी हुई सरकार का नुमाइंदा हो, उत्तर प्रदेश में इनका कोई मतलब नहीं रखता, आवाज उठाने का कोई हक नहीं है। यह ठीक वैसा ही है जैसे 78 और 79 में बेलछी गांव में एक 11 दलितों की हत्या पर इंदिरा गांधी की सियासत का था। इंदिरा गांधी जो कि इमरजेंसी के बाद लोगों के दिल और दिमाग में एक डायन के रूप में बस गई थी, इस हत्याकांड के बाद उन लोगों के दिल में उतरने लगी थी। कहीं ऐसा खामियाजा योगी सरकार के इस कांड से प्रियंका को ना मिल जाए और इसका खामियाजा आगे चल करके भाजपा को भरना पड़े। अलग अलग मत हैं, अलग अलग नीतियां हैं, अलग अलग बातचीत है, लेकिन कुल मिलाकर लब्बोलुआब यह है कि यह सरकार पाक साफ है, क्योंकि यह घटना नेहरू के जमाने में हुई थी। नेहरू ने ही बीज बोया था इस घटना का। ये तो शुक्र मनाओ कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत बच गए, क्योंकि उन्होंने एक साल पहले ही मुख्यमंत्री पद से छोड़ करके केंद्र की तरफ रुख कर लिया था। फंसे बेचारे डॉक्टर संपूर्णानंद इसलिए फंसे कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में ये सारा कांड हुआ। अगर वो जमीन इस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं देते तो बाद में IAS ऑफिसर नहीं खरीदता और IAS ऑफिसर भाजपा ही सरकार के समय में उसको बेचता नहीं। कुल मिला के एक चीज तो साफ है कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, हर समय हर मुद्दे पर इन्होंने जनता के अपने दिल की भावनाओं से खेलने का ही काम किया है। आज सरकार इन भू माफियों का सपोर्ट करे या इन भू माफियों का विरोध करे, ऐसा क्या होता है कि सभी को पता होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और हत्याकांड करते हैं और चले जाते हैं, और आज आप उस जगह पर किसी को भेजने की इजाजत नहीं देते हैं। यह साफ जाहिर करता है कि सरकार डरी हुई है। सरकार डरी है कि कहीं इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में बाहर ना दिख जाए, कहीं ऐसा ना हो कि योगी राज का यह खूनी पथ राजपथ में दूसरों के लिए तब्दील हो जाए और योगी जी और मोदी जी विकास और कानून सुरक्षा के दावे पर सिर्फ बैठे बैठे हल्ला मचाते रहें। कुछ ऐसा ही हो रहा है। सोनभद्र में यह खूनी पथ आज राजपथ की शक्ल लेता दिख रहा है। ना तो राज्यपाल का अपना संज्ञान है, ना कोई कानून व्यवस्था की दूसरी व्यवस्था है। ये अलग बात है कि योगी जी ने साफ सुथरे तौर से अधिकारियों को दहाड़ लगाकर यह बताने की कोशिश की है कि हाँ, अभी उनका राज है, उनकी दबंगई है। हमने तो सुना था कि अगर कोई ठाकुर राजा बनता है तो वह लोगों के कल्याण के लिए बनता है, और शायद योगी जी
जब राज करने आए तब भी यही हुआ था कि अब एक ठाकुर बना है राजा तो प्रदेश शायद आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या प्रदेश दलितों की हत्या के लिए, आदिवासियों की हत्या के लिए, उनकी जमीनों को हड़पने के लिए बना है? अगर ऐसा राज है तो इस राज की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ना ज़रूरत है ऐसे खूनीपथ की और ना ज़रूरत है ऐसे राजपथ की। आज विजयपथ में बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए, विजिट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए localnewsofindia.com।